नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASR SSC गुरु। 14 फरवरी को बिहार बोर्ड इंटर का जो परीक्षा होने वाला था NRP और MBA सब्जेक्ट का, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। और यहाँ पे 13 फरवरी का ये ऑफिशियली न्यूज़ है, उसके माध्यम से आपको बताया गया है कि आपका परीक्षा का जो शेड्यूल है उसको रिशेड्यूल किया गया है। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि क्या वैलेंटाइन डे को लेकर के परीक्षा के डेट को बढ़ाया गया है। तो इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले हैं कि इसका डेट क्या था, अब कौन सा डेट में आपको परीक्षा देना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जब भी कुछ ऐसा अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, बिहार विद्यालय समिति पटना, ये दोस्तों एक ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया पेपर के आर्टिकल के माध्यम से। यहां पे शॉर्ट वे में इस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे सबसे स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा होगा, लिखा गया है इंटरमीडिएट वार्षिक सदनिक परीक्षा 2019 में दिनांक 14 फरवरी 2019 के प्रथम पाली के लिए निर्धारित विज्ञान एवं वाणिज्य सकाय के MBA, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट है आपका, विषयों की परीक्षा दिनांक 16 तारीख को लिया जाएगा। मतलब कि जो परीक्षा 14 तारीख को होने वाला था, ये आपका 16 तारीख को सेकंड सीटिंग में लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आपके माइंड में ये हो सकता है कि क्या सभी सब्जेक्ट का हुआ, तो नहीं। देखो, यहाँ पे डायरेक्टली साफ साफ ये लिखा गया है कि प्रथम पाली के निर्धारित जो हुआ था आपका यहाँ पर MBA विषय का, वो आपका 16 तारीख को दूसरे पाली में किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लिखा गया है, आपको समझ में भी आ जाएगा दोस्तों। जैसे कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, मतलब जो पहले का शेड्यूल था, ठीक है, उसके बाद पुनः जो किया गया, मतलब कि रीशेड्यूल, जिसमें परिवर्तन किया गया, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे कट कुट कर देता हूँ मैं, ताकि आप समझ जाओ कि आपको इस डेट पर परीक्षा नहीं देना है, अब यहाँ पर आपको इस डेट पर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात कि जो पहले था क्या था, वो था 14/2/2019, यानी कि 14 फरवरी प्रथम पाली को, सब्जेक्ट आपका क्या था, तो NRB था। उसी दिन आपका दूसरे पाली में था परीक्षा MBA का, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेन क्या हुआ है कि जो 14 तारीख को था, वो सिर्फ और सिर्फ अब NRB का ही परीक्षा होगा, और ये यहाँ पे आपका MBA का परीक्षा नहीं होगा। इस शेड्यूल को मतलब रिशेड्यूल करके 16 तारीख बना दिया गया। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात कि जो पुनः बनाया गया वो क्या है, तो अब यहाँ पे आपको इसको माइंड में रखना है, इसको आप निगलेक्ट कर जाइए, ठीक है। तो अगर आपका दोस्तों 14/2/2019 को परीक्षा है, वो आपका किस चीज़ का है, तो यहाँ पर NRB का है वो सब्जेक्ट आपका जो होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपका टाइमिंग क्या है, तो 9:30 से 11:15 तक आपका यहाँ पे परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 16/2/2019 को क्या है, तो ये आपका फिर यहाँ पे 1:45 से लेकर के 3:30 तक परीक्षा होगा, दूसरे पाली में परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया आपके लिए, आई होप आपको ये सब चीज़ दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे हम देखिए आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्या कुछ था। तो यहाँ पे देखो, NRB और MBA विषय की परीक्षा एक ही पाली में साथ ली जाती है, ठीक है, अलग अलग 50-50 पूर्णांकों की है, ठीक है। दोनों विषयों के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, OMR सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है। NRB और MBA के विषय को छोड़कर सकाय अलग अलग ऐसी परिस्थिति संभावना हो सकती है कि पश्चाती को दोनों विषयों में NRB एवं MBA की उत्तर पुस्तिका OMR, मतलब कन्फ्यूजन वाला रूटिंग था एक तरह से, आपको बोल सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, इसीलिए यहाँ पे जो आपका MBA का जो परीक्षा था उसको दोस्तों रिशेड्यूल करके 14 तारीख वाला सेकेंड सिटी का परीक्षा को लेकर के जो आपका यहाँ पे होना था उसको यहाँ पे अब कर दिया गया है 1:45 से, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। और क्या कुछ इसमें अपडेट है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं, प्रभात खबर का पेपर का आर्टिकल में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम देखें ऑल ओवर इसका न्यूज़, तो यहाँ पर आप इसको इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पे आप 14/2/2019 को NRB का परीक्षा दीजिएगा, टाइमिंग आपका रहेगा 9:30 से 11:15 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों MBA का परीक्षा आपका होगा, तो ये यहाँ पे आपका 1:45 से 3:30 तक होगा। ये दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट आपके लिए, यहाँ पे सब कुछ आपको बताया गया है पूरा का पूरा, यहाँ पे डिटेल से देखें ताकि आप कन्फ्यूजन क्रिएट मत कीजिए माइंड में, आपका परीक्षा छूट नहीं जाए, सब कुछ इसीलिए यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं बिहार विश्वविद्यालय, जो मतलब बिहार विद्यालय है, उसकी तरफ से जो आपका बोर्ड का परीक्षा ऑर्गेनाइज किया था, उसकी तरफ से ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा हमसे, ओके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।